जिले के किसानों ने प्रिथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयन पाल रावत को विटा मिल्फ प्लांट को शिफ्ट करने के विरोध में ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि इस प्लांट को फरीदाबाद में ही रहने दिया जाए ताकि किसानों का रोजगार बना रहे। विधायक नयन पाल रावत ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर इस प्लांट को यहीं पर रुकवाने की कोशिश करेंगे, जरूरत पड़ने पर ग्राम पंचायत से इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को और पशुपालकों के रोजगार पर इस प्लांट के जाने से फर्क पड़ेगा, इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को रखकर इस प्लांट को यहीं पर रुकवाया जाए ताकि पशुपालकों और किसानों को कोई परेशानी ना हो। हमारे फरीदाबाद के ये किसान और पशुपालक आज बीटा प्लांट जो उसको शिफ्ट होने की बात है उसको लेकर के मेरे पास आए हैं और इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से ये प्लांट नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दूध है, जो सबसे ज़्यादा सेल है, वो भी दूध का आवंटन भी, खरीदारी भी और सेल भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होती है और ये पुराने समय का जो ना सरकार की दी हुई सौगात है, तो ये सौगात यहाँ से नहीं जानी चाहिए और मेरी भी कोशिश ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके और इस प्लांट को यहीं कहीं शिफ्ट करा लेंगे। कोई भी पंचायती ज़मीन देकर जो भी जहाँ भी सूटेबल जगह होगी उसमें उसको शिफ्ट कराने का प्रावधान करेंगे और क्योंकि पूरे हरियाणा में आधी से ज़्यादा सेल जो वो केवल फरीदाबाद की है और खरीद भी फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इस प्लांट को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। वही किसानों ने बताया कि मिल्क प्लांट को बावल में शिफ्ट करने की बात चल रही है, अगर प्लांट यहां से जाता है तो उनके रोजगार पर बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए उन्होंने विधायक नयन पाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। प्रिथला से वी न्यूज के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।